अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ गर्मा गर्म अपडेट दो अपकमिंग बजट फोन्स के हवाले से। जी हाँ, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में और टेक्नो स्पार्क 6 के बारे में। आप दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन दोनों फ़ोन्स के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, बिकॉज ये जो दोनों फ़ोन हैं ये अगले एक से डेढ़ वीक में पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर आने वाले हैं, काफ़ी सॉलिड प्राइसिंग के ऊपर आने वाले हैं और एक गेमिंग चिपसेट्स के साथ आने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन सारी कन्फर्म है इसकी, वो आपको बताऊँगा। राइट प्राइस टैग डिस्कस करेंगे इसका और आपको बताऊंगा कि क्या आपको रुकना चाहिए इन फोन्स के लिए। सब कुछ शेयर करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो हैशटैग बबलू लाहौरी लगाएं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर इन्फिनिक्स और टेक्नो की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी मार्केट्स में जो बजट प्राइस सेगमेंट है 15 से 30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, काफ़ी अच्छी बैक टू बैक इन्होंने डिवाइसेज दी हैं। और 20,000 रुपए के नीचे अगर बात कीजिए तो यहां पे इतना मजा नहीं आ रहा था, वीक चिपसेट्स के साथ डिवाइसेस आ रही थी। लेकिन अब ये जो दोनों ब्रांड है एक सॉलिड धमाका करने जा रहे हैं और दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनको काफी चुकन्ना करने जा रहे हैं। जैसे रियलमी C3 देख लें, G70 की वजह से काफी पॉपुलर गया, और रेडमी 9 देख लें, ये भी G80 की वजह से पॉपुलर गया, और अब यहां पर आपको टेक्नो और जो इन्फिनिक्स हैं ये भी G70 जैसी चिपसेट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। प्राइस में आगे चलकर डिस्कस करता हूं इसका। सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं टेक्नो स्पार्क 6 की। जी हां, टेक्नो स्पार्क 6 की अगर बात करें तो ये 21 सितंबर को लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। और बोल चैनल के ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट मूवी भी आ रही है रियल हीरो के नाम से, जिसे टेक्नो स्पॉन्सर करेगा और उसके जो ब्रांड एम्बेसिडर हैं वो इस एसी के स्पार्क 6 के वो अली जफर होंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आप उसे भी चेकआउट कर लें। बहरहाल मैं यहाँ पे फोन को अगर बात करूँ तो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हालांकि ये जो सेम डिज़ाइन है हम रेडमी के इन्फिनिक्स के नोट 7 के अंदर देख चुके हैं। अब इन्फिनिक्स के नोट 7 के अंदर भी आपको राउंडेड शेप के अंदर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता था, सेम यहाँ पे भी है। 16 मेगापिक्सल का ये कैमरा सेटअप होने वाला है। बाकी का जो कैमरा है अगले वाले जो तीन कैमरा है उसकी डिटेल नहीं है। अल्ट्रा वाइड अगर कैमरा होता ना यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का तो ये मेंशन जरूर करते, अदरवाइज मुझे तो लगता है 2-2 मेगापिक्सल की नंबर गेम यहाँ पे होगी। ये जो स्पार्क 6 है इसकी जो कंप्लीट डिटेल है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुकी है, हर चीज़ वहाँ पर मैंशन की गई है। और टेक्नो कहता है कि जो स्पार्क 6 है ये 6 अपग्रेड्स के साथ आ रहा है, इससे पहले जो स्पार्क 5 आया था वो 5 अपग्रेड के साथ था। तो ये इसके मैंने अपग्रेड्स देखे हैं, मुझे तो एक ही अपग्रेड इसका समझ आया, जो चिपसेट लगाया हीलियो G70, उसके बाद के जो 5 अपग्रेड्स हैं वो बस 19-20 ही हैं, कोई ज़्यादा इतना अपग्रेड है नहीं। लेकिन जो चिपसेट है ये बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड होने वाला है यहाँ पे। और अगर इसकी बात करते हैं चिपसेट की तो गेमिंग चिपसेट को लगाया गया हीलियो G70, अगेन ये काफ़ी तबाही किस्म की चिपसेट है। और इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे प्राइस का हिंट दूँ तो इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट्स में 20,000 से ऊपर नहीं जाने वाली। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपये की रेंज के अंदर ये फ़ोन कहीं पर लॉन्च किया जाएगा तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर 4GB 64GB वाला कम्बिनेशन है। दूसरी जो डिवाइसेज हैं C3 जैसी डिवाइस है या रेडमी 9 जैसी डिवाइसेज हैं वो 3/32 कम्बिनेशन आपको दे रही हैं और फिर भी चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो ये अगर आ गया 4/64 के ऊपर तो ऐसे जो गेमर्स हैं जिनको गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए, ऐसे जो टीनएजर्स हैं जिनका बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए बहुत आइडियल डिवाइस होने वाली है। स्पेशली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिटेल आई है वहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब यार काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो स्पेकशीट है इसकी निकल के आ रही है। बाकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है, यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी और प्राइस तो इसकी मेरे ख्याल से आ चुकी है वैसे मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ 20 से ऊपर नहीं जाएगी इसकी प्राइस, तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग हो सकती है। आपको कैसा लगा ये जो स्पार्क 6 डिवाइस है, कॉमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना इस वाले से। और टेक्नो के बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं इन्फिनिक्स की जो गर्मा गर्म डिवाइस आ रही है बजट रेंज के अंदर, मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 10 की। ये दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10 ये भी पाकिस्तानी मार्केट्स में इसकी जो लॉन्च डेट है ये भी कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन जब टेक्नो लॉन्च कर रहा है 21 को तो फिर इन्फिनिक्स भी ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे ही लॉन्च करते हैं अपनी डिवाइसेस को। तो ये जो है इन्फिनिक्स की हॉट 10 डिवाइस, ये इन्फिनिक्स की जो हॉट लाइनअप है उसके अंदर हॉट 8 ने काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया, हॉट 9 काफ़ी अच्छा चल रहा है, हॉट 9 प्ले काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हॉट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर बजट रेंज में। तो ये जो डिवाइस है ये हॉट लाइनअप की सबसे ज़्यादा हॉट डिवाइस होने वाली है। रीज़न क्या है, यहाँ पर भी हीलियो G70 चिपसेट को लगाया जाएगा और ये सेम चिपसेट जब इन्फिनिक्स ने लगाई अपने नोट 7 में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। इन्फिनिक्स ने कहा यार हमने वो सस्ते नशों के चक्कर में हीलियो P22 और ये वो चिपसेट लगा के बिजनेस ही नहीं मिल रहा था, G70 लगा के यार मज़ा आ गया, तो फिर इसके अंदर भी लगाना चाहिए। तो उन्होंने इसके अंदर भी G70 चिपसेट को लगाया, अगेन गेमर को टारगेट करेगी। प्राइस के अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो देखिए इन्फिनिक्स और टेक्नो बिल्कुल आलमोस्ट सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च करते हैं। अगर टेक्नो 20,000 रुपये के अंडर अंडर रहने वाला कहीं पर बाउंड्री में, तो ये जो इन्फिनिक्स हॉट 10 डिवाइस है
पहुंचा, ये भी इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो वैसे कहा जा रहा है जी 22-23-24 हज़ार प्राइसिंग होगी, लेकिन वो फिर रॉन्ग प्राइसिंग में चला जाएगा। अगर मैं अपना यहाँ पे राइट प्राइस टैग आपको बताऊँ तो इसके लिए जो हॉट 10 के लिए पाकिस्तानी मार्केट्स में 21 हज़ार रुपये से ऊपर ये डिवाइस नहीं जानी चाहिए, बिकॉज अगर देखा जाए तो 23 हज़ार रुपये पे तो नोट 7 आपको मिल जाता है, 4GB 64GB वाला जो तीसरा वेरियंट है उसका, उसके अंदर 48 मेगापिक्सल है। इसकी बैक साइड पर आपको जो कैमरा बम्प है वो एक एल शेप के अंदर मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। जो क्वाड कैमरा सेटअप है 2-2 मेगापिक्सल की नंबर गेम बाकी आपको देखने वाली है। बिल्कुल चलिए माना ठीक है कि बजट प्राइस सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ी बहुत जो मेन सेंसर है उसे कुछ इमेजेस वगैरह आ जाती हैं। फ्रंट आपको पंच होल मिलेगा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। अभी यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग को लेकर ना वो अभी कन्फर्मेशन नहीं है। तो देखिए जो स्पार्क 6 आने वाला है उसके अंदर उसका जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर डिटेल आ गई है, बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मेंशन की हुई है। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को चेक कीजिएगा। अब उसके अंदर अगर फास्ट चार्जिंग आ रही है तो इसके अंदर भी पूरे चांसेस बन जाएंगे कि फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिले। बाकी क्या निकल के आती है ये डिटेल आगे चल के कुछ डिस्कस करेंगे। 4GB 64GB वाली डिवाइस होने वाली है, और अगर ये भी डिवाइस 20-21 हज़ार रुपये के अराउंड कहीं पर पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर आती है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से इन्फिनिक्स इस प्राइस सेगमेंट को भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा। इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है ये दोनों आपस में सिस्टर और ब्रदर ब्रांड हैं, तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये सारी इसकी डिटेल मेंशन है इन्फिनिक्स हॉट 10 की। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर बताइएगा, और अभी मैं चलता हूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। दोस्तों दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी स्पेसिफिकेशन आपने ऑलमोस्ट देख ली, जो टेक्नो स्पार्क 6 है इसकी लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी कि 21 सितंबर है, और प्राइस का मैंने आपको एग्जैक्टली आइडिया दे दिया। हॉट 10 का भी उसकी प्राइस को देखते हुए स्पार्क 6 की आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि उसकी प्राइस भी अराउंड यहीं कहीं पर आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर इन्फिनिक्स ने गलती की कि हॉट 10 को ओवर प्राइस्ड किया, कोई 23,000 से 24,000 के अराउंड भी गया, तो फिर यहाँ पर सब कुछ मिलिया मेट हो जाएगा, स्पार्क 6 सारी जो है मार्केट उसे कैप्चर कर जाएगा। लेकिन बिकॉज ये दोनों एक ही ब्रांड हैं तो एक दूसरे की जो मिली जुली यहाँ पे स्ट्रेटेजी है उसके साथ ही जाने वाले। लाइक एग्जांपल देता हूँ, इन्फिनिक्स ने नोट 7 लाइट को लॉन्च किया था और टेक्नो ने कैमन अपने 15 को लॉन्च किया था। सेम प्राइस पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फीचर भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो चीज़ है यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं दोनों डिवाइसेज का। दोनों जो डिवाइसेज हैं ये काफ़ी हॉट होने वाली हैं, 4/64 कॉम्बिनेशन और हीलियो G70 चिपसेट के साथ, जो 20 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज के अंदर अगर ये डिवाइसेज आ गई तो ये जो रियलमी C3 के पास और जो रेडमी 9 के पास मार्केट शेयर है, ग्रिप है, वो उनसे निकल जाएगी, बिकॉज वो हीलियो G70 और G80 की वजह से था। और ये भी जो फाइनली एक अच्छा चेंज है कि इन्फिनिक्स अपनी जो गेमिंग सीरीज़ के चिपसेट्स हैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। और डेफिनेटली अगर आप एक फ़ोन बाय करना चाहते हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको रुकना चाहिए इन दोनों फ़ोन्स के लिए। अगर आपने गेमिंग करनी है और साथ में आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए और रैम भी 4GB चाहिए, तो वेट कर लें थोड़ा सा, जल्दी आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। फर्दर कोई अपडेट निकल के आई तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी आप क्या कहते हैं इन दोनों डिवाइसेज के बारे में, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स का वेट करता हूं और उन सारे कमेंट्स को मैं रीड करता हूं। हालांकि कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं कि मैं अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहा कि मैं एक एक कमेंट को बैठ के रिप्लाई करूं, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं हर एक को जहां तक हेल्प हो सके मैं उसकी करता रहूं। अगर वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।